हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ममता स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके गले में बलगम गिरता रहता है, गले में हमेशा खराश सी रहती है, गले में इरिटेशन सी रहती है, खांसी बार बार आती है, गले को बार बार साफ करना पड़ता है, दोस्तों ये सारे सिम्टम्स होते हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट नेजल डिस्चार्ज क्या होता है, उसके कॉजेस, सिम्टम्स और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो कि आपके इस प्रॉब्लम को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी परेशानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पोस्ट नेजल डिस्चार्ज को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये जो डिस्चार्जेस बनती क्यों हैं। दोस्तों, हमारे जो नाक और जो साइनस है उसकी म्यूकस लाइनिंग से म्यूकस का सिक्रीशन होता रहता है, जिसे हम बलगम भी कहते हैं। ये जो सिक्रीशंस है हमारे नाक के रास्ते से गले में गिरती रहती है। ये सिक्रीशंस हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से भी बचाते हैं और साथ ही हमारी जो म्यूकस लाइनिंग है उसे भी गीला रखते हैं। लेकिन जब ये सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है या थिक हो जाती है तो हमारे गले में ये फीलिंग आने लगती है कि हमारे नाक के रास्ते से गले में बलगम गिर रही है, जिसे हम पोस्ट नेजल डिस्चार्ज कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि ये जो डिस्चार्जेस हैं ज़्यादा क्यों बनने लगती हैं और ये थिक क्यों हो जाती हैं। दोस्तों, इसके दो मेन रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है एलर्जिक राइनाइटिस, जिसमें कि हमें छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, हमारी आँखों से पानी गिरता रहता है, नाक में खुजली होती है, नाक में सूजन आ जाती है। इस सूजन, नाक में सूजन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से वहाँ पे जो म्यूकस लाइनिंग है वहाँ से म्यूकस का सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है। दूसरा रीज़न है साइनोसाइटिस। दोस्तों, जो हमारे स्कल के जो साइनसिस हैं वहाँ पर जब सूजन हो जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो वहाँ पे वहाँ की म्यूकस लाइनिंग से म्यूकस का सिक्रीशन बढ़ने लगता है। कभी कभी यहाँ पे इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिस्चार्जेस हैं बहुत ज़्यादा थिक हो जाते हैं और जो उनका कलर है वो येलोइश ग्रीन भी हो जाता है। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इनके सिम्टम्स के बारे में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, इसमें पेशेंट को गले को बार बार साफ करना पड़ता है, गले में इरिटेशन सी रहती है इसीलिए बार बार खांसना पड़ता है, गले में कभी कभी बलगम चिपक जाती है। ये फीलिंग पेशेंट को तब आती है जब सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और वो गले में जाकर सेटल हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पेशेंट को बलगम को बाहर की तरफ खींचने के लिए जोर लगाना पड़ता है, जिसे हम हॉकिंग ऑफ म्यूकस भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगी। अगर आपके डिस्चार्जेस थिन हैं तो ये आपको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हो रहा है, लेकिन अगर आपके डिस्चार्जेस या आपको खखारने पे बहुत ही थिक डिस्चार्जेस निकल रहे हैं तो ये मेनली साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप की वजह से आपको हो रहा है, लेकिन जो मेजर रीज़न इसका देखा गया है वो है साइनोसाइटिस। दोस्तों, कई बार ऐसा भी देखा गया है या पेशेंट मेरे पास आते हैं और ऐसा बोलते हैं, मैडम कि जब भी वो सुबह अपना जो थ्रोट क्लियर करते हैं तो उनके जो डिस्चार्जेस हैं वो वॉश बेसिन में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से उनको पानी काफ़ी मात्रा में डाल के उसे साफ़ करना पड़ता है। दोस्तों, ऐसी कंडीशन अगर हो रही है इसका मतलब आपको क्रॉनिक पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस हैं जो कि आपके इस परेशानी को जड़ से ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है काली बाइक्रोमिकम। दोस्तों, ये मेडिसिन लगभग पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के हर सिम्टम्स को कवर करती है। दोस्तों, अगर आपके डिस्चार्जेस बहुत ही ज़्यादा थिक हैं, बहुत ही ज़्यादा ग्लूटिनस हैं, बहुत ही ज़्यादा थिक है या चिपकने वाले डिस्चार्जेस हैं तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, इस पेशेंट को हमेशा कॉन्स्टेंट फीलिंग रहती है गले में बलगम गिरने की, उसके गले में हमेशा इरिटेशन सी रहती है जिसकी वजह से उसे गला बार बार साफ करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको साइनोसाइटिस या नेजल पॉलिप की वजह से आपको ये डिस्चार्जेस हो रहे हैं तो भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग कम से कम 15 से 30 दिन तक आपको सेवन करना है। दोस्तों, दूसरी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस।
दोस्तों ये मेडिसिन भी पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपके गले में बहुत ही ज़्यादा दर्द है, गले में कटा हुआ लग रहा है, छिला हुआ है और उसकी वजह से आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस मेडिसिन को आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग आपको यूज़ करना है। दोस्तों अगर आपके डिस्चार्जेस येलोइश ग्रीन है और आपको सुबह उठते से ही ऐसे डिस्चार्जेस आपको निकल रहे हैं, तो भी ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों तीसरी मेडिसिन है कोरेलियम रूब्रम। अगर आपको पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की वजह से आपको खांसी की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बनती है, साथ ही आपकी जो बलगम की क्वांटिटी वो भी बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आपको कोरेलियम रूब्रम मेडिसिन को यूज़ करना चाहिए। इस मेडिसिन को भी आपको 30 पोटेंसी में 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग दिन में 2 बार कम से कम 15 से 20 दिन तक आपको यूज़ करना है। दोस्तों चौथी मेडिसिन है नैट्रमम्यूर 66। दोस्तों अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी कि एलर्जिक राइनाइटिस के साथ साथ आपके आपको बलगम बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, उसके सिम्टम्स के साथ साथ आपको गले में हमेशा खराश ही रहती है, गले को बार बार साफ करना पड़ता है, उस कंडीशन में आपको नैट्रमम्यूर 664 पिल्स दिन में 3 बार आपको 1 महीने तक लगभग यूज़ करना है। दोस्तों इन मेडिसिंस के यूज़ से आपकी जो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज की परेशानी है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और अगर आपको कोई क्वेरी हो पोस्ट नेजल डिस्चार्ज के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर सकते हैं। मुझसे आप अपनी परेशानी ज़रूर शेयर करिए ताकि मैं आपकी परेशानी का सॉल्यूशन दे सकूं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।